गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार चंद्राकर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दूर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है कंपाइलर डिज़ाइन डी सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम हैं फर्स्ट एंड फॉलो फॉर गिवन ग्रामर। दिए गए ग्रामर के लिए फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और फॉलो। क्वेश्चन है एस प्रोडक्शन कैपिटल ए बी कैपिटल सी। ए का जो प्रोडक्शन है ए, बी का प्रोडक्शन जो है वो बी लेंगे और सी के प्रोडक्शन डी। ये गिवन ग्रामर दिया रहेगा और यहां पर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि दिस ग्रामर फाइंड आउट फर्स्ट एंड फॉलो एंड LL1 क्रिएट LL1 टेबल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करेंगे गिवन ग्रामर के लिए, उसके बाद फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो फॉर गिवन ग्रामर। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन रहता है मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं ये सभी क्या रहते हैं आपके नॉन टर्मिनल। तो जितने भी नॉन टर्मिनल रहते हैं सबसे पहले हम उसका फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट करने के बाद हम उस नॉन टर्मिनल का फॉलो बनाते हैं। तो यहां पर जो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल एस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये जो है एस ए बी और सी ये सभी जो है वो नॉन टर्मिनल है। इसी नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ए तो फर्स्ट ऑफ ए जब फाइंड आउट करेंगे तो जो फर्स्ट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो एस का प्रोडक्शन में ए बी सी है। तो यहां पर क्या है फर्स्ट ऑफ ए, जब फर्स्ट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट क्या है आपका, ए का प्रोडक्शन देखेंगे यहां पे ए है तो फर्स्ट ऑफ एस में क्या है फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए बी और सी, यहां पर ए जो है वो सबसे पहले है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ए का प्रोडक्शन ए है तो यहां पर फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा स्मॉल ए। क्यों, क्योंकि ए का प्रोडक्शन हम यहां पर देखेंगे ए नॉन टर्मिनल है तो ए का प्रोडक्शन ए है तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल स्मॉल ए। चूंकि अब स्मॉल ए के बाद यहां पर कोई एप्सिलॉन नहीं है, जब भी इस तरह का अगर होता है एप्सिलॉन तो हम क्या करते हैं इसके आगे वाले का देखते हैं नॉन टर्मिनल है कि नहीं है और उस नॉन टर्मिनल का जो प्रोडक्ट आ रहा था उसको लिखते हैं। तो यहां पर हमारा यहां पर एप्सिलॉन नहीं है सिर्फ ए है तो फर्स्ट ऑफ ए ये हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए देखेंगे यहां पर ए है, ए का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा स्मॉल तो फर्स्ट ऑफ ए ऑल्सो ए।
नेक्स्ट बी, बी तो फर्स्ट ऑफ बी, यहां पर फर्स्ट ऑफ बी क्या आना है, देखो फर्स्ट ऑफ बी, बी का प्रोडक्शन क्या है स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी होता है। इसी तरह हम फर्स्ट ऑफ सी निकालेंगे, कैपिटल सी, तो सी का प्रोडक्शन क्या है डी, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से हम क्या निकालिए, फर्स्ट निकालिए। अब हम इसका फॉलो निकालते हैं, जब फॉलो निकालेंगे तो हम आगे देखेंगे फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैं आपको फर्स्ट निकालना बता रहा हूं। तो फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन एस टेंस टू स्मॉल एक्स कैपिटल ए बी, उसके बाद कैपिटल ए टेंस टू, कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल वाई लिखेंगे और ये बी सी, उसके बाद बी कैपिटल बी स्मॉल आई सी ए, देन सी का क्या हो जाएगा, सपोज यहां पर ले लेते हैं पी स्मॉल पी सी। अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे गिवन ग्रामर के लिए फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ एस, एस का फर्स्ट ऑफ फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ एस प्रोडक्शन, यहां पर हम एस, यहां पर जितने भी नॉन टर्मिनल है वो क्या है सेम है, एस ए बी सी, कैपिटल एस कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये सभी नॉन टर्मिनल है। और मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले नॉन टर्मिनल को ही देखते हैं और उसी को कंसिडर करते हुए हम उसका फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एस फाइंड आउट करूंगा, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ एस, एस का प्रोडक्शन क्या है, तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल ए बी, यहां पर देखेंगे सबसे पहले ये फर्स्ट ऑफ एक्स, स्मॉल एक्स मीन्स टर्मिनल, यहां पर जो स्मॉल रहता है उसको टर्मिनल बोलते हैं और कैपिटल रहता है उसको नॉन टर्मिनल, तो यहां पर स्मॉल एक्स है तो यहां पर फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एस स्मॉल एक्स मीन्स यहां फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी मतलब फर्स्ट ऑफ बी का प्रोडक्शन क्या है यहां पर, ए सॉरी यहां पर ए, ए का प्रोडक्शन क्या है यहां पर वाई कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका मतलब हम जब फर्स्ट ऑफ देखेंगे यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले क्या है टर्मिनल, उसके बाद नॉन टर्मिनल, तो अगर टर्मिनल आ जाता है तो हम आगे फाइंड आउट नहीं करते, इसका मतलब यहां पर फर्स्ट ऑफ वाई वाई ही रहेगा। उसके बाद हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी यहां पर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी में क्या है, बी का प्रोडक्शन है आई कैपिटल सी और ई, तो हम यहां पर लिखेंगे स्मॉल आई कैपिटल सी और कैपिटल ई। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ बी प्रोडक्शन ऑफ बी, दिस फर्स्ट ऑफ आई, आई इज अ टर्मिनल, देन फर्स्ट ऑफ बी इज अ आई, ओके, देन यहां पर सी है तो फर्स्ट ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी फाइंड आउट करेंगे तो हम उसका क्या लिखते हैं प्रोडक्ट लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ सी में क्या हो जाएगा पी कैपिटल सी कैपिटल बी। अब देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ सी है तो फर्स्ट ऑफ सी का प्रोडक्शन लिखे पी सी बी, अब यहां पर फर्स्ट ऑफ पी इज अ टर्मिनल, देन फर्स्ट ऑफ सी इज अ स्मॉल पी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो हम इस ग्रामर के थ्रू, इस दो क्वेश्चन के थ्रू फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देख लिए, अब हम फॉलो निकालना देखेंगे।
अब देखते हैं यहाँ पर फॉलो। सबसे पहले जो गिवन ग्राफ है इसके लिए हम फॉलो निकाल, फॉलो निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है जिस भी नन टर्मिनल का फॉलो निकाला जाता है उसके एक आगे यानी कि उसके जस्ट पहले वाले को देखा जाता है। तो यहां पर मैं फॉलो फाइंड कर रहा हूं एस का। तो दूसरी बात जो रूल्स हैं वो ये हैं कि जब भी कभी स्टार्टिंग का फॉलो निकालते हैं तो हमेशा उसमें क्या लिखा जाता है डॉलर डॉलर लिखा जाता है। उसके बाद चेक करेंगे राइट हैंड साइड की कहीं पर एस और है कि नहीं, अगर नहीं है तो डॉलर आएगा, अदरवाइज अगर है तो उसका फॉलो अलग से निकलेगा। अब देखते हैं सेकंड फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे सबसे पहले ए राइट हैंड साइड में कहां, इधर भी देखेंगे ये लाइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कहां पर ए। अब हमको देखो यहां पर मिल गया राइट हैंड साइड में ए। अब ए के बाद वाले को देखना, ए के बाद टर्मिनल है कि नन टर्मिनल, अगर नन टर्मिनल है तो हम उसका फर्स्ट देखेंगे। तो बी का जो फर्स्ट है वो क्या है आपका बी, तो फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी। यहां पर ए बी सी हम ए का फॉलो निकाल रहे हैं तो ए यहां पर है, ए के बाद वाले को देखेंगे, ए के बाद क्या है बी है, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी क्या है यहां पर बी है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा आपका बी। अब फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी देखिए यहां पर, अब इस साइड देखेंगे बी कहां पर है। फॉलो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं राइट हैंड साइड में बी कहां पर है। देखो राइट हैंड साइड में बी यहां पर है और कहीं पे नहीं, कैपिटल बी की बात ना करें तो बी यहां पर है, बी यहां पर है तो इसके आगे हम देखेंगे कैपिटल सी, कैपिटल सी इसका मतलब फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या है स्मॉल डी। तो यहां पर फॉलो ऑफ बी में क्या हो जाएगा ए बी सी, तो बी के आगे देखना है तो फर्स्ट ऑफ सी इट मीन्स तो यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ सी जो है डी है तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहां पर फॉलो ऑफ सी निकालना है, फॉलो ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे यहां पर सी कहां पर है, तो राइट हैंड साइड में सी यहां पर है। अब चूंकि सी के आगे तो कुछ नहीं है, सी के आगे कोई भी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल नहीं है, तो इस तरह से जब इस केस में आता है तो हम क्या जाते हैं फॉलो जाते हैं, हम क्या जाते हैं फॉलो जाते हैं और फॉलो ऑफ एस देखेंगे। इस तरह से अगर नहीं रहता तो हम फॉलो जाते हैं और फॉलो ऑफ एस देखते हैं, और फॉलो ऑफ एस क्या है डॉलर, तो फॉलो ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका डॉलर। ये हो गया फॉलो। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लिए। इसी तरह आप इस जो ये वाला क्वेश्चन है इसका फॉलो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।